हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्क ऑन ए न्यू टॉपिक दैट इज क्राउन टिश्यू। देखिए क्राउन टिश्यू क्या होता है। क्राउन टिश्यू सिस्टम लास्ट टाइम ने किया था वहां पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और एपिडर्मल टिश्यू के सिस्टम के बाद नेक्स्ट आता है वो आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम मेनली पुट करते हैं कॉर्टेक्स को। पेरिसाइकिल को और इसके अलावा हम यहां पे रखते हैं वास्कुलर बंडल्स, उसको अलग भी लिखते हैं, और यहां पे लिखते हैं हम लाइक पित्त को और मेडुलरी रे। ये हम जो होते हैं इनके अंदर यहां पुट करते हैं। अब समझिए ग्राउंड टिश्यू को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं आपको, तो यहां पे आपको क्या क्या मिलेगा। देखो तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो आपको सबसे पहले, अगर मैं सिंपल डायग्राम को बना दिया हूं, आप सबसे पहले देखोगे ये इस तरह से सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसका नाम होता है एपिडर्मिस। ये सबसे बाहर वाली जो सेल की लेयर होती है, ये सबसे बाहर वाली सेल की लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस होती है, और इसके जस्ट नीचे आपको एक टू और थ्री सेल की लेयर मिलेगी, आपको यानी टू और थ्री सेल की लेयर मिलेगी इसके जस्ट नीचे। जर्नली इसमें टू लेयर बना रहे हैं यहां पे। तो ये बाहर वाली जो लेयर होती है इसे कहते हैं एपिडर्मिस, जो हमने ऑलरेडी पीछे की है एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस बोलते हैं। और जो ये दो दो टू और थ्री सेल की लेयर है, दिस टू और थ्री सेल लेयर इज नोन एज हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको, ये कॉर्टेक्स कहलाती है। कॉर्टेक्स में तीन पार्ट आते हैं, कॉर्टेक्स में तीन पार्ट आएंगे, एक आएगा हाइपोडर्मिस, एक आता है जर्नल कॉर्टेक्स, और तीसरा आता है एंडोडर्मिस, राइट। तो इससे सबसे करके हाइपोडर्मिस बोलेंगे, और इसके जस्ट नीचे आपको मिलेंगे यहां पे पैरेन्काइमा सेल्स मिलेंगे, जो स्पेशली स्टोरेज के लिए बनी होती है। इनके बारे में डिस्कस करूंगा आगे। यहां पे पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं लाइक दिस। ये जो होता है दिस इज नो जर्नल कॉर्टेक्स, इसे हम जर्नल कॉर्टेक्स कहते हैं। वैसे सारा ही कॉर्टेक्स होता है, ये हाइपोडर्मिस भी कॉर्टेक्स में आती है, लेकिन ये जर्नल कॉर्टेक्स में आता है। फिर इसके नीचे आपको एक लेयर और दिखाई दे रही है इस तरह की। ये जो लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस। इस लेयर क्या बोलते हैं, इस लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस। ये होती है एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस इसके अराउंड आपको यही मिलेगा, ये कंप्लीटली इसके राउंड में सेल आपको फिर मिलेगी। ये सारा कॉर्टेक्स पार्ट है, ये एंडोडर्मिस पार्ट आता है। ये भी एक्चुअली किसके अंदर आता है, एंडोडर्मिस भी एक्चुअली कॉर्टेक्स में आती है, ये भी कॉर्टेक्स पार्ट होती है। फिर इसके अंदर आपको मिलेंगे वास्कुलर बंडल्स, इस तरह का बंडल्स आपको मिलेंगे लाइक दिस। तो इसके राउंड में जो आपको ये टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, हेयर, दिस इज नोन एज पेरिसाइकल, इसे बोलते हैं पेरिसाइकल। और इसके जो यहां पे सेंटर में जो होगा, इस सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं पित्त। क्या बोलते हैं इसको, पित्त बोलते हैं। और इसके अंदर क्या मिलती है आपको, इस तरह से इसके अंदर एक सेल की ग्रुपिंग मिलती है, एक सेल की लाइक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको मिलेगी, इसमें एक रिंग लाइक मिलेंगे,
वो जो रिंग लाइट स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें कहते हैं मेडुलरी रे, उन्हें कहते हैं मेडुलरी रे। अब यहां पे आप समझिएगा, इसके दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसको, एक होता है एक्स्ट्रास्टेलर, एक होता है इंट्रास्टेलर। यानी समझाने के लिए, एक एक्स्ट्रास्टेलर होता है, एक्स्ट्रास्टेलर, एक्स्ट्रास्टेलर किसे बोलते हैं, एक्स्ट्रास्टेलर रीजन होता है जो इस लेयर से, यानी ये जो आपको दिखाई दे रही है इस लेयर से बाहर वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा एक्स्ट्रास्टेलर है। यानी इससे यानी एंडोडर्मिस से लेके डर्मल कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस, ये यानी कॉर्टेक्स वाला जितना भी पोर्शन आता है, यानी हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये जो तीनों पार्ट आते हैं वो आते हैं एक्स्ट्रास्टेलर में, इसमें आते हैं वो आते हैं एक्स्ट्रास्टेलर में। और दूसरा पार्ट आते हैं स्टेलर या इंट्रास्टेलर। इंट्रास्टेलर में क्या आता है, इंट्रास्टेलर में वो पार्ट आता है जो इस एंडोडर्मिस के अंदर है। इस एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट है, लाइक इन द आपने देखा हुआ, लाइक इन द केस ऑफ मेडुलरी रे, लाइक इन द केस ऑफ पिट, लाइक केस ऑफ पेरिसाइकिल, ये जितने भी पार्ट इसके अंदर पुट हुए हैं, ये चाहे पेरिसाइकिल हो, चाहे पिट हो, या फिर ये आपको जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहे, मस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे, चाहे ये हो, सारा जो पोर्शन आता हुआ था इंट्रास्टेलर पोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रास्टेलर पोर्शन होते हैं। तो ये डायग्राम होता है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको कराएंगे ग्राउंड टिश्यू के बारे में, राइट। तो डायग्राम, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां पे कॉर्टेक्स के बारे में। नंबर फर्स्ट यहां पे आएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वो रीजन होता है जर्नली पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। कॉर्टेक्स इज जनरली मेड अप विथ विथ पैरेन्काइमा जनरली पैरेन्काइमा सेल्स से बना हुआ, पैरेन्काइमा सेल्स, बट इसके अंदर आपको स्कैलेनकाइमा कोलेनकाइमा सेल भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, विद पैरेन्काइमा और यहां पर लिखता हूं कोलेनकाइमा। से जनरली बना होता है। अब कॉर्टेक्स को स्टेम में तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कॉर्टेक्स के तीन पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स हैज थ्री पार्ट्स। अब कॉर्टेक्स के तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, कॉर्टेक्स के जो तीन पार्ट होते हैं सबसे पहला होता है, इसे बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस, जो हमने लिखे पीछे डायग्राम में हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो तीन रीजन्स के बनाए जाते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, राइट। अब इसको सबसे पहले समझते हैं हाइपोडर्मिस को। Let's start with the hypodermis. Number first, we will see why the hypodermis. देखो hypodermis होती है, ये जनरली पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा से बनी होती है, right? इसकी जनरली टू और थ्री लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस के नीचे आपको टू और थ्री लेयर्स मिलती हैं, और उन टू और थ्री लेयर्स को कहते हैं यहां पे हाइपोडर्मिस। जस्ट बिनिथ द
जस्ट बिनिथ द एपिडर्मिस टू और थ्री लेयर टू और थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स इज नोन एज हाइपोडर्मिस. क्या बोलेंगे इसको? हाइपोडर्मिस कहते हैं. राइट. अब इस हाइपोडर्मिस में आपको डाइकोट में जाता है, आपको डाइकोट में जनरली आपको इसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स दिखाई देंगी, और मोनोकोट में जाता है इसमें कोलेन्काइमा सेल्स मिलती हैं. इन डाइकोट पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द केस में, पैरेन्काइमा मिलेगी डाइकोट में. और इन मोनोकोट में अगर देखा जाए, बट इन मोनोकोट कोलेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट राइट. अब कुछ समझिएगा आप कि जो मोनोकोट होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द सेल आपको इसके अंदर मिलेंगी कोलेन्काइमा, और जो डाइकोट होता है उसमें आपको मोस्ट ऑफ द सेल मिलेंगी इसके अंदर आपको पैरेन्काइमा. राइट. ऐसा नहीं होता कि 100% आपको कोलेन्काइमा ही मिलेगी मोनोकोट में, नहीं, कुछ पैरेन्काइमा मिल सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल इज कोलेन्काइमा. और मोस्ट ऑफ द सेल जो आपको मिलेगी इन द डाइकोट वो क्या मिलेंगे, वो पैरेन्काइमा मिलेगी, लेकिन कुछ कोलेन्काइमा उसके अंदर मिल सकती है. अब इसका जनरल फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? इसका जनरल फंक्शन यहाँ पे होता है, ये ज्यादातर हार्मोन के सिक्रेशन और स्टोरेज करके कुछ अमाउंट में, इसका फंक्शन जो होता है स्टोरेज ऑफ फूड. मोस्ट ऑफ द फूड तो कोर्टेक्स ही, जनरल कोर्टेक्स ही स्टोर करता है, बट ये क्या करती है, कुछ अमाउंट ऑफ फूड स्टोर करती है. एंड सिक्रेशन ऑफ फाइटोहार्मोन्स, और फाइटोहार्मोन्स जो होते हैं प्लांट के हार्मोन होते हैं उनको सिक्रेट करना भी काम होता है. लेकिन कुछ केसेस में ये रेजिन्स गम्स इनको भी स्टोर करती है और उनको बाहर भी निकालते हैं. आपको पता है प्लांट के जो वेस्ट होते हैं उसे मेनली ऑयल्स होता है, गम्स होता है, रेजिन्स होता है, ये जो फॉर्म होते हैं वेस्ट होते हैं, ये वेस्ट को निकालने का काम भी किसका होता है, यहाँ पे हाइपोडर्मिस का होता है. राइट. कॉर्टेक्स सॉरी एपिडर्मिस के थ्रू बाहर एलिमिनेट करते हैं उनको, वो फंक्शन किसका होता है, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस का होता है. अगर नेक्स्ट देखिए नंबर सेकेंड इसके अंदर देखें, जो सेकेंड जो दे जाते हैं वो आता है जनरल कॉर्टेक्स. जनरल कॉर्टेक्स और जनरल कॉर्टेक्स होता है वो मोस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा सेल से बना होता है, मोस्टली पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट. मोस्टली इसमें क्या होती है, पैरेन्काइमा सेल्स होती प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट. राइट. और इसके अलावा अगर पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है तो इसके अलावा इसमें देखा जाए तो इसके अंदर आपको पैरेन्काइमा के अलावा यहां पे स्टोरेज का फंक्शन भी करता है. इसमें स्टार्च स्टोरेज सेल्स प्रेजेंट होंगी. क्या होती है, स्टार्च स्टोरेज सेल्स प्रेजेंट, स्टार्च स्टोरेज प्रेजेंट होती है. देखो मोस्ट ऑफ द केस में जनरल यहां पे स्टार्च ही स्टोर होता है,
बस कुछ केस में, लाइक इन द केस ऑफ मस्टर्ड, सनफ्लावर, इन केसेस में ऑयल भी स्टोर होता है इसके अंदर, बट जनरल केस में, मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च स्टोरेज सेल भी होती हैं। और ये जो सेल्स होती है, ये सेल्स यहाँ पे ग्रोथ भी करवाती है। जो इंटरनोड्स बड्स जो निकलती है साइड में, जहां से ब्रांचेस निकालनी होती है, नई लीफ राइज करने होते हैं, या अदर जो पार्ट होते हैं उसके पार्ट की जो आउटग्रोथ बनती है, या फिर जो लेंटिसेल्स बनते हैं, जो छोटे छोटे पोर बनते हैं रूट और सूट के अंदर, वो पोर्स भी बनाने का काम होता है, जनरल कोर्टेक्स का काम होता है, इसकी पैरेन्का में सेल्स के साथ करवाती है, राइट। अब नंबर जो थर्ड हम करेंगे वो आता है एंडोडर्मिस। नंबर थर्ड आएंगे एंडोडर्मिस। वो आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या करती है? एंडोडर्मिस जस्ट इनर लेयर होती है, ये इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स की इनर लेयर होगी। और इस लेयर में आपको जर्नली जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो जर्नली आपको इसके अंदर मिलेंगे। सम आर पैरेन्काइमा सेल्स और सम आर कोलेनकाइमा सेल्स, बट इसके अंदर स्केलेनकाइमा सेल्स भी मिल सकती हैं। कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट, इसमें आपको कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो इसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगी, यानी इसमें जो कोलेनकाइमा जो सेल्स होती है वो इसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलती है, यानी कोलेनकाइमा सेल्स होती है वो यहाँ पे मिलेंगी, जिसकी वजह से क्या करता है, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आपने पढ़ा हो इन द केस ऑफ रूट, रूट के अंदर ये लेयर जो थी काफी ज्यादा थिक बन जाती है एंडोडर्मिस की, और उसको वहां पे कहते हैं कैस्पियन स्ट्रिप। कैस्पियन स्ट्रिप आपने वर्ड सुना होगा, आई थिंक रूट के अंदर अब्जॉर्प्शन आपने पढ़ी होगी कि रूट जो होती है कैसे वाटर को अब्जॉर्ब करती है और कैसे रूट प्रेशर वहां पे एग्जर्ट होता है, और रूट प्रेशर को एग्जर्ट करने में एक स्ट्रिप का वहां बहुत ज्यादा रोल आता है, वो एंडोडर्मिस की एक लेयर होती है, इसका नाम होता है वहां पे कैस्पियन स्ट्रिप। रूट वाटर अब्जॉर्प्शन में हमने डिस्कस किया था पहले, अब वही लेयर वहां पे एंडोडर्मिस की है कैस्पियन स्ट्रिप, ये रूट के अंदर काफी ज्यादा थिक होती है। इन रूट थिक लेयर ऑफ एंडोडर्मिस और ये क्वेश्चन नीट के अंदर आ चुका है, मैं अभी करा रहा हूं। इन रूट थिक लेयर ऑफ एंडोडर्मिस इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, इज नोन एज कैस्पियन स्ट्रिप, उसे कहा जाता है कैस्पियन स्ट्रिप, राइट, कैस्पियन स्ट्रिप कहते हैं। और कैस्पियन स्ट्रिप जो होगी वो वाटर की प्रेशर को, यानी जिसे कहते हैं रूट प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। तो क्या काम करती है कैस्पियन स्ट्रिप? कैस्पियन स्ट्रिप मेंटेन रूट प्रेशर, मेंटेन रूट प्रेशर, ये क्या काम होता है, इसे रूट के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है, यानी वाटर के प्रेशर को ये मेंटेन कराती है। तो ये था एंडोडर्मिस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके कोर्टेक्स के बाद सेकंड जो पार्ट आता है, और सेकंड जो पार्ट यहां पे आएगा वो आता है पेरिसाइकल।